यीशु के नाम की महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार सातवां अध्याय। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपनी बाई की आंखे के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्टा है तो तू अपनी बाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने बाई की आंख का तिनका बली बांधी देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपनी मोती सुवरों के आगे मत डालो, ऐसे ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसे कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और तोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो बेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यनाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसे हुआ कि भीड़ उनके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उन्हें उपदेश देता था। इस अध्याय में यीशु मसीह अनेक बातों को सिखाते हैं। इसमें एक बुद्धिमान मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन को किसके ऊपर बनाता है, उसका नींव क्या है करके यीशु मसीह यहाँ सिखा रहे हैं। पहले वो कहते हैं, दूसरे को दोष मत लगाओ, तुम दूसरे को किस माप से नापते हैं वैसे तुमको भी नापा जाएगा। इसका मतलब है प्रेम में चलो, दूसरे को तुम दोष नहीं लगाना, क्योंकि न्याय
करने वाला हमारा यीशु मसीह है, वो सबको न्याय करेगा। वो जब आएगा उस दिन वो सबको जो जो काम किए हैं उसकी प्रतिफल उनके साथ आएगा। इसलिए हम दूसरे को दोष नहीं लगाना, हम अपने आप को देखना, हमारा आंख में क्या लटा है उसको निकालना। वो कैसे निकाल सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम ये कर सकते हैं। याकूब कहता है, जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने कामों में भी आशीष पाएगा। मतलब सुनकर भूलता भी नहीं है, वो उसे काम करता। हम उस वचन पर चलने वाला होना चाहिए। उस वचन के अनुसार हम अपने आप को दर्पण में देखते हुए हमको सही करना है। देखिए, दर्पण मतलब परमेश्वर की वचन के अनुसार हम अपने आप को देखना, हम इस वचन के अनुसार चलने वाला बनना करके इधर परमेश्वर बता रहे हैं, प्रेम में चलना। परमेश्वर यही हमें सिखा रहे हैं और कहते हैं, तुम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लेना, मतलब कुत्तों को सामने नहीं देना को और सुअरों के आगे नहीं डालना करके यीशु मसीह सिखा रहे हैं। और सिखा रहे हैं, प्रार्थना करो। प्रार्थना की जीवन एक बहुमूल्य जीवन है, एक मुख्य जीवन है। तुम जो भी तुम्हारे जीवन की जरूरत है तुम मुझे मांगो, मेरे ऊपर विश्वास करो करके यीशु मसीह यहाँ कहते हैं। क्योंकि बुरे होकर हम भी हमारे बच्चों को देखिए कितने अच्छा सब कुछ देते हैं, उनको बेस्ट चीज देने के लिए हर एक माँ बाप यही चाहते हैं, हमारे बच्चों को बेस्ट देना चाहिए करके। तो हम बुरे होकर हम इतना अच्छी चीज देने के लिए हम चाहते, तो हमारा स्वर्गीय पिता अच्छा है, भला है, तरस खाता है हमारे लिए। अपने एकलौता बेटे को वो हमारे लिए दे दिया, वो हमारे ऊपर प्रेम किया है। हम पापी थे, हमारे ऊपर वो प्रेम किया, हमारा स्वर्गीय पिता क्यों ना देगा करके इधर यीशु मसीह सिखा रहे हैं। तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, यीशु मसीह के ऊपर, मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे वचन के ऊपर चलो, मेरे वचन के अनुसार जीवन बिताओ करके इधर यीशु मसीह सिखा रहे हैं। क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर के वचन पर चलता है वो सकेत मार्ग पर चलता है। उस सकेत मार्ग है जीवन को पहुंचाता है। वो मार्ग है कठिन है, लेकिन उसके अंदर जाने वाला थोड़ी ही लोग है, वो थोड़ी ही लोग है अपने जीवन को चट्टान के ऊपर बनाता है। इस वचन के अनुसार दूसरे को प्रेम करना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, प्रार्थना की जीवन जीना और परमेश्वर के नाम को हम व्यर्थ न लेना, ये सब परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलता है अपने आप को भी इस दर्पण में देखता है, अपने आप को सही करता है। परमेश्वर के मार्ग पे जो चलता है वो इस सकेत मार्ग के अंदर प्रवेश होगा, वो होकर जीवन को पाएगा, अनंत जीवन को पाएगा, वही है स्वर्ग राज्य में पहुंचेगा, यही है स्वर्ग राज्य में प्रवेश होगा करके यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं। जो हे प्रभु करके बोलते हैं लेकिन वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार अपना मन मर्जी के अनुसार और फरसी लोग जैसे होते हैं वैसे रीति रिवाज के अनुसार, जो मूसा की नियम है उसके अनुसार ऐसा ही पालन करने वाला स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेगा। ऐसे लोग है अपने जीवन को बालू के ऊपर बनाता है, मिट्टी के ऊपर बनाता है करके इधर यीशु मसीह कहते हैं। जो बालू के ऊपर अपने घर बनाता है, अपने जीवन को बनाता है, वो निर्बुद्धि मनुष्य है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उस वचन पे बने रहता है, वो अपनी नींव को चट्टान के ऊपर डालता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है करके यीशु मसीह यहाँ हमें सिखा रहे हैं। अच्छे पेड़, निकम्मा पेड़ करके इधर दो पेड़ के बारे में भी यीशु मसीह सिखा रहे हैं। अच्छे पेड़ है, उनकी नींव, उनकी बीज है, सही है, अच्छा पेड़ अच्छा फल को देगा। जो बीज अच्छा है उनका फल भी अच्छा है, जो निकम्मा बीज है उसके अंदर से निकम्मा फल ही मिलेगा। जड़ देखिए, हम देख नहीं सकते हैं, जड़ जमीन के नीचे रहता है, गुप्त बातों को बताता है, हमारा व्यक्तिगत की हृदय की बातों को बताता है। जो हृदय के अंदर है वही हमारा मुंह से बाहर आता करके यीशु मसीह
कहते हैं, वैसे ही उस बीज के अंदर, उस जमीन के अंदर जो बीज है उससे वो जड़ आया है, उसके अनुसार ही उनका फल भी होगा करके इधर यीशु मसीह कह रहे हैं। जड़ मतलब उनकी नींव है। मकान के लिए भी देखिए, नींव तो बाहर नहीं दिखता, लेकिन एक मकान बनाने के लिए सीमेंट, पानी, ईंटा, पत्थर और लोकन, ये सब रख के हम एक मकान को बनाते हैं। एक छोटा मकान होगा तो नींव हम उसके अनुसार डालते हैं। अगर एक बड़ा बिल्डिंग है, फ्लैट है, उनको बनाना तो देखिए नींव गहराई में डालते हैं, नीचे तक डाल के अच्छा एक मजबूत हम बनाते हुए उसके ऊपर हम घर बनाते हैं। क्योंकि कुछ भी मकान आप बनाइए, महत्वपूर्ण विशेषण बात है उनका नींव ही होती है। अगर नींव सही रहेगा, ऊपर हम कितने भी माला बना सकते हैं। एक बच्चा के भी देखिए, पढ़ाई के लिए भी हम कहते हैं ना, पहले जूनियर, सीनियर केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड, ये सब एक नींव होती है। तो ये बच्चे लोगों को सही रहेगा, इसके ऊपर जितने भी उन लोग फिफ्थ सिक्स्थ स्टैंडर्ड जाते रहेंगे, ये सब उनको आसान पड़ेगा। इसलिए कहते हैं बेसिक नींव सही होना चाहिए। तो हमारा जीवन की नींव है परमेश्वर की वचन है। इस वचन के अनुसार जो भी चलता है, जो भी इस वचन के ऊपर ध्यान देता है, उस वचन के अनुसार मांगता है, उस वचन के अनुसार ढूंढता है, उस वचन के अनुसार खटखटाता है, वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होते हैं। वो लोग बुद्धिमान मनुष्य है, उनके लिए सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ पाया जाएगा, सब कुछ उनके जीवन में खुला जाएगा करके यीशु मसीह कहते हैं। वचन है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह के ऊपर हमारा नींव होना चाहिए। आत्मिक भोजन है, यीशु मसीह है। आत्मिक जल है, यीशु मसीह है, वही है आत्मिक चट्टान है। एक कुरिन्थियों 10:4 में पौलुस कहता है, आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह है करके इधर पौलुस कहता है, उस चट्टान मसीह है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चट्टान है। चट्टान देखिए, समुन्द्र के अंदर भी देखिए बड़े बड़े पत्थर होती है, उस पत्थर के ऊपर देखिए लहर आते रहता है, हमेशा आके उसको ऊपर टकराता है, वो पत्थर कभी हिलेगा ही नहीं। इधर देखिए, वही इधर यीशु मसीह कहते हैं, तीन बात को कहते हैं, मेघ बरसा, बाढ़े आई, आंधियां चली, तब उस घर के ऊपर टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। उस मनुष्य को यीशु मसीह कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा करके यीशु मसीह कहते हैं एक मनुष्य को बुद्धिमान। हम अपने आप को मैं बुद्धिमान हूँ करके हमको बोलना नहीं चाहिए। जो बुद्धिमान है परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने वाला, यीशु मसीह ही हमको बोलना है तुम बुद्धिमान, हम अपने आप को बोलना नहीं। सब लोग वही कहते हैं, मैं बुद्धिमान, मेरे को इतना ज्ञान है करके, क्योंकि ज्ञान तो परमेश्वर का ही है, ज्ञान का सोता वही है, वही हमें ज्ञान देता है इस वचन में चलने के लिए। परमेश्वर की वचन हमें ज्ञान देती है हर परिस्थिति के ऊपर जय पाने के लिए, हर परिस्थिति में क्या करना, क्या बोलना, क्या नहीं करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कौन सा नौकरी करना, कौन सा जगह पर हमारा मकान रहना, घर रहना, इस सब परमेश्वर की वचन से हमको शिक्षा मिलती है। परमेश्वर की वचन हमें चेतावनी देता है, यहाँ मत रहना, वहां चले जाओ, इधर से निकल जाओ। इतना एक वचन से हमें परमेश्वर बातें करते हैं, हमें बचाते हैं, मृत्यु की फंदा से हमें बचाते हैं, मनुष्य की फंदा से हमें वचन बचाता है। नींव वही है, उसके ऊपर हमारा घर को बनाना है। बरसात, तूफान, आंधी, इस सब दुनिया में हम रहते हैं, इस सब बात कई चुनौतियों को बताता है हमको। इस दुनिया में जीते समय में इस सब को सामना करना पड़ता है, निराश, दुख, परीक्षा और शैतान की हमला और बीमारी, कष्ट, मुसीबत, असफलता, गरीबाई, दरिद्रता, इस सब आंधियां के समान आता है मनुष्य के जीवन में। ये सब आता है, निराश हो जाके रुक जाता है। इधर वही लिखता है, अगर परमेश्वर की वचन नहीं है, टूट जाएगा, हम बैठ जाएंगे तो कौन हमें उठा सकता है।
देखिए वचन के अनुसार जो नहीं चलता है कोई उसको उठा नहीं सकता है, वो टूट के गिर जाता है, सत्यनाश हो जाता है। लेकिन जो वचन के अनुसार चलता है उनके लिए आशा है, क्योंकि हमें छुड़ाने वाला जीवित है, वो हमें उद्धार करता, हमें छुड़ाता है। आंधी आता है, तूफान आएगा, ऐसे ही वो डर के ऊपर आते रहेगा उसको नीचे गिराने के लिए। लेकिन परमेश्वर की वचन हमें संभालता है, हमको संभालता है, हमें उठाता है, हमको आनंद देता है, खुशी देता है। ऐसे समय में हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है। चुप हो जाओ, जान लो मैं ही परमेश्वर, तुम्हें मैं दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हारा दाहिने हाथ को पकड़ा हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर का वायदा यही है। कुछ भी मुसीबत है, दुख है, निराश है, बीमारी है, हम इस वचन के ऊपर खड़ा रहकर हम कहते रहना है, यही हमारे लिए नींव है। हम बोलते रहना, खटखटाते रहना, खुलेगा हमारे लिए स्वर्गीय आशीष, खुल जाता है। एक एक वचन को लेकर हम खटखटाते रहना, यही हमारे लिए चाबी है, उस दरवाजा का चाबी वही है। एक एक चाबी को ढालते ढालते परमेश्वर की आशीष को हम पाते रहना, तब गांधी आएगा, तूफान आएगा, तभी हम हिलेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर की वचन हमें सुरक्षित देता है, हमें संभालता है, हमें पालन पोषण करता है, हमको पानी देता है, रोटी देता है, हमको रोशनी देता है, हमारा पैर को बलवंद करता है, हमारा शरीर की चंगाई देती है, हमारा शरीर की चंगाई देता है, सामर्थ्य देता है, शांति देता है। सब कुछ वचन में ही है, इस वचन सब कुछ हमें देता है, संपूर्णता, परिपूर्णता। परमेश्वर का स्वभाव, उनका प्रेम, उनका अभिषेक, पवित्रता, उनका धार्मिकता, उनका विश्वास, सब कुछ इस वचन के अंदर से ही मिलती है। जो कोई भी इस वचन के ऊपर अपना नींव डालकर अपना घर बनाता है, अपना जीवन को बनाता है, वो कभी खिलेगा नहीं। इधर यीशु मसीह वही कहते हैं, वो बुद्धिमान है। यीशु मसीह मुंह से आना है हमको देखकर तुम बुद्धिमान हो करके, लेकिन मूर्ख देखिए अपना मन के अनुसार, अपना जो विचार है उस पर वो चलता है। जब परेशानी आएगा वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बालू के ऊपर बनाया है, मिट्टी के ऊपर अपने जीवन को बनाया है, वो पूरा पानी आके पूरा वो उसको सत्यनाश कर दिया। वही पौलुस कहता है, एक कुरिन्थियों 3 में राजमिस्त्री के समान नींव डाली है, उसके ऊपर अपना घर को जो बनाता है वो चौकस रहना है, क्या क्या डालकर अपना घर को बनाता है, अपने जीवन को बनाता है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और कोई नींव नहीं है, कोई डाल नहीं सकता है, यीशु मसीह ही वो नींव है। इधर पौलुस कहता है, दिन उसे बता लेगा, जब कष्ट आती है, जब मुसीबत आता है, जब आंधियां आता है, तूफान आता है, बाढ़ आता है, तब दिन में पता चलेगा वो मनुष्य अपने जीवन को किसके ऊपर बनाया, क्योंकि विश्वास करने वाला उठावली नहीं करता, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है, वो चुपचाप बैठे रहता है, प्रार्थना करते रहता है, वचन को कबूल करते रहता है। जब आंधी आते रहेगा, तूफान आते रहेगा, उसके ऊपर टकराते रहेगा, तभी भी वो हिलेगा नहीं, क्योंकि हिलने वाला नहीं है, ऐसे ही ना टलने वाला परमेश्वर की वचन है। उनका राज्य अटल है, उनका वचन अटल है, यीशु मसीह अटल है, हमेशा सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके वायदा किया है। जीवित परमेश्वर मरा है, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा है, वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, इसलिए वो कभी गिरेगा ही नहीं, डरेगा भी नहीं, वो सामर्थ्य पाता है, मजबूत गढ़ वही है यीशु मसीह, उनका वचन है, पता चल जाएगा, दिन पता चल जाएगा। लेकिन जो कोई विश्वास नहीं करता है, देखिए उनका मन घबराता है, बेचैन हो जाता है, इधर उधर भागेगा, कुछ भी मनुष्य की मदद मांगने के लिए दौड़ेगा, नहीं तो पैसा के ऊपर भरोसा रखेगा, अपनी धन संपत्ति के ऊपर भरोसा, मेरे अंदर देखो कितना अच्छा अच्छा है चीज करके उसके ऊपर घमंड करते रहेगा। अच्छे लोग कोई भी नहीं है, अच्छे कोई भी नहीं है, सब लोग पाप किए, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। यहोवा बला है, वही बला है, वही अच्छा है, उसके अलावा कोई नहीं है।
हमेशा हम सावधान रहना, इस नींव के ऊपर हम क्या क्या रखकर अपना जीवन को बनाते हैं। कोई बहुमूल्य पत्थर और सोना और चांदी रखकर जो बनाता है, जो परेशानी आएगा उस आग के अंदर जाएगा, पता चल जाएगा, वो चमकेगा। देखिए सोने को आप आग के अंदर डालोगे ना, तो उसके अंदर जो भी मिट्टी है, गंदगी है, वो निकल जाता है, उसके बाद वो सोना चमकने लगता है। विश्वास चमकना है, हमारा विश्वास चमकना है। हमें चमकाने वाला परमेश्वर वही है, वचन ही हमें चमकाता है। ये वचन के बोलते रहेंगे हम चमकेंगे। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर चमकेगा, वो जलेगा नहीं, और जलते जलते और जितना आग उसमें डालते रहेंगे उतनी वो चमकेगा। लेकिन जो मनुष्य अपनी नींव को गाठ घास फूस से बनाता है, अगर आग आएगा, आग के अंदर जाएगा, परेशानी आएगा, वो पूरा जल जाएगा, सत्यनाश हो जाता है। हमारा नींव यीशु मसीह है, हमारा नींव परमेश्वर की वचन है। इस नींव के ऊपर हम अपनी घर को बनाना है, गहराई में खोद कर हमको बनाना है। लूका 6 में लिखा है, उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। गहरी खोदना, परमेश्वर की वचन को हमको खोदना है, ढूंढना है, गहराई में जाना है, परमेश्वर की प्रेम की गहराई में जाना है। उस गहराई में जाकर हम उसके साथ उनका प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई जानना है। वचन के अंदर गहराई में जाना, उसको हम ध्यान करते रहना, हमेशा उसको हम ध्यान करते रहना, खोजते रहना, कटकटाते रहना, ढूंढते रहना, मांगते रहना, बोलते रहना, कबूल करते रहना, हम परमेश्वर की आशीष को पाते रहना। एक एक वचन, एक एक जीवन के पत्थर है, वो जीवित पत्थर है। पत्रस कहता है जीवन के पत्थर यीशु मसीह है, उसके साथ हम जुड़े गए हैं। हम भी एक एक जीविता पत्थर है, हम उनके ऊपर आत्मिक घर बनते जा रहे हैं। बहुमूल्य जीविता पत्थर है, यीशु मसीह है। मनुष्य ने उसको निकम्मा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया है, चुना हुआ पत्थर, वो बहुमूल्य जीविता पत्थर यीशु मसीह है। उस सियोन में कोने का सिरा बना, उस बहुमूल्य पत्थर के ऊपर कोई भी विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। उसका मुंह को प्रकाशन करने वाला परमेश्वर वही है। हम लोग आत्मिक घर बनते जा रहे हैं, उस कोने का सिरा अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो करके वचन में लिखा है। उस कोने का सिरा को कौन अपने जीवन में रखकर उसके ऊपर घर बनाता है, उनके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह प्रकट होती है। परमेश्वर की अनुग्रह इतना बड़ा है, उनके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह आता है। परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, अपना वचन को हमें दे दिया, यीशु मसीह को हमें दे दिया, अपने वचन को बेचकर वो चंगा हमें करता है। यीशु मसीह को बेचा हमको चंगा करने के लिए, हमको चंगाई देने के लिए, हमारे जीवन में आंधी तूफान को बंद करने के लिए। हमारे जीवन की नाव पर यीशु मसीह को हमको रखना है, तब आंधी आएगा, तूफान आएगा, हम डरेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह अपनी अतिघात से कहता है शांत रहो, थम जा करके आंधी तूफान को डांटने वाला परमेश्वर हमारे अंदर आके निवास किया है। जो कोई भी परमेश्वर की वचन को अपने मन में रखता है, वो यीशु मसीह को रखता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरा भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसका मुंह पर आता है। भला मनुष्य बुरा मनुष्य करके दो लोगों के बारे में बताते हैं, दोनों हृदय में देखिए क्या है करके परमेश्वर जानते हैं। जो मन में है वही मुंह पे आता है। भला मनुष्य है, भला भंडार, बली बाती, इस सब परमेश्वर की वचन है। अगर उसके अंदर परमेश्वर की वचन है, क्योंकि बलाई सब कुछ परमेश्वर की ओर से आती है, क्योंकि बलाई हमारे अंदर है ही नहीं है,
पॉलस कहता है हमारे अंदर भलाई नहीं है, सब कुछ भलाई परमेश्वर की ओर से आती है। उस भलाई को जो भी अपने मन में रखता है वही भलाई मनुष्य है, वही भलाई करता है। परमेश्वर की वचन के अनुसार ही हम सब कुछ करने वाला बनना है। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ एक अधिकारी के समान इस वचन को उपदेश दिया करके इसमें हम देखते हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे सिर्फ बोलने वाले नहीं, अधिकार परमेश्वर हमें दिया है। हम अपनी जीवन की हर एक मार्ग में परमेश्वर की वचन को बोलने वाला बनना है। चट्टान यीशु मसीह है, चट्टान के अंदर सुरक्षा है, उस चट्टान के अंदर हमें सब चीज मिलती है। घर मतलब देखिए चट्टान के ऊपर घर बनाया, उस घर के अंदर वो रहता है, इसलिए वो घर हिलता नहीं। यीशु मसीह के अंदर, वचन के अंदर, उस चट्टान के अंदर हम सुरक्षित रहते हैं। यशाया 32:2 में लिखा है, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। इस सब यीशु मसीह को दर्शाता है, बड़ी चट्टान की छाया तप्त भूमि में। देखिए इतना गर्म होता है वहां हमारे लिए, छाया बनकर यीशु मसीह रहते हैं, उसके पंखों तले हमें सुकून मिलती है। बड़ी चट्टान है, आंधी से छुपने का स्थान वही है। उस बड़ी चट्टान की छाया में हम हमेशा सुकून से रहेंगे। मैं एक मैसेज सुन रही थी, उसमें वो सेवक कहते हैं चट्टान के बारे में, दाऊद यहोवा परमेश्वर को चट्टान है, वही मेरे चट्टान है करके कहता है। वो क्यों ऐसा ही कहता है? वो अपनी जीवन में अपना दाऊद का बेटा, दाऊद को मारने के लिए आता था, उस समय वो जंगल में जाके और रेती वो जायदा रहता है ना डेजर्ट जैसे, ऐसे जगह पे जाके वो छुप छुप के रहता था, गुफा में ऐसे ही चट्टान के अंदर वो रहता था। उस समय वो ऐसे ही बोलता है उनके जीवन में चट्टान, क्यों वो बार बार बोलता है यहोवा मेरा चट्टान करके, मतलब वो ऐसे जगह पे वो रहता था। उस समय ही वहां क्या होता है, धूप ज्यादा होता है, इसके वजह से उस मिट्टी में कुछ पेड़ पौधे, कुछ सब्जी, कुछ फल फूल कुछ भी नहीं उगता है। अगर कभी बारिश होगा थोड़ा बहुत भी उनकी साइड में कुछ घास, कुछ पेड़ पौधे कुछ भी उग के आएगा, तो भी फिर वो थोड़े दिन में क्या होता है, वो मिट्टी पूरा आके उसके ऊपर दब जाता है, अगर नहीं तो ज्यादा धूप होने के कारण वो पूरा सूख जाता है। ऐसे एक जगह है, लेकिन जो चट्टान रहता है, जो बड़ा सा एक चट्टान रहेगा वहां, उसकी उसका छाया में, बड़ा सा चट्टान रहता है ना, लेकिन उनकी छाया में देखते हैं वहां जो पेड़ है, पौधे हैं, घास है, जो भी है वो अच्छा सा उगता है, उसके ऊपर इतना धूप नहीं आ पाता है। उनकी छाया में जो जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छा अच्छा फलता है, उसमें से लहसुन हो, जो भी सब्जी है, जो भी फल है, जो भी पेड़ पौधे हैं, अच्छा अच्छा उगने का एक वातावरण रहता है। वो चट्टान की छाया में सब कुछ उगता है, लेकिन चट्टान की छाया नहीं तो वहां पूरा सूख जाता है। ऐसे दाऊद जो जंगल में घूमते फिरता था, वो जाके उसके वो जैसे दाऊद जंगल में घूमते रहता था, उस समय गुफा में जंगल में वो जाके रहते समय में ऐसे चट्टान के पास वो देखता होगा, वहां की पूरा छाया में पूरा सुरक्षित है। ये भी चट्टान के अंदर ज्यादा रहता था, हम देख सकते हैं भजन संगीता में, वो चट्टान के ऊपर था, गुफा के अंदर था, उसमें सेफ्टी रहता है। और भी हम देखते हैं वहां जहां बहुत तूफान जैसे मिट्टी आता है ना, वहां अगर वो एक पत्थर हो, चट्टान हो, उसके अंदर जाके छुपेंगे, वो मिट्टी की तूफान से बच जाते हैं, नहीं तो वो मिट्टी पूरा आके लोगों को, वो मिट्टी पूरा आता है उसमें लोग मर जाते हैं। लेकिन ऐसे जगह पे अगर एक बड़ा सा एक पत्थर है, नहीं तो चट्टान जैसे गुफा जैसे कुछ होगा ना, और उसके अंदर वो लोग
सुरक्षित रहते हैं। उस मैसेज में ये मैं सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। चट्टान हमारे लिए सुरक्षित स्थान है, हमारे लिए वो सुरक्षित है, उसकी उसकी छाया में पेड़ पौधे उगता है, वहां से हमें खाना मिलती है। और पुराना नियम में हम देखते हैं उस चट्टान से पानी आया, वो लोग उस उधर से पानी को पिए, उस चट्टान के अंदर से उस पानी आकर उनको तृप्त किया, उस चट्टान उनके साथ साथ गया, स्वर्गीय मन्ना से उनको खाना को खिलाया, सुरक्षित रखा, महिमा के बादल उनके साथ साथ गया, उनको सुरक्षित रखा, आंधी तूफान बारिश धूप सबसे उनको वो बचाया। हमारे लिए सुरक्षित स्थान है चट्टान है, हमारे लिए तोड़ा गया है यीशु मसीह की शरीर, वही हमारे लिए चट्टान। उस गांव के अंदर यीशु मसीह की उन शरीर के अंदर हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। जो कोई भी यीशु मसीह के विश्वास करता है उसके अंदर बना रहता है, वो चट्टान के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा और उसकी रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी। वचन कहती है पानी की घटी कभी न होगी, उनकी रोटी उनको मिलते रहेगा। हमारा लिए सब कुछ देने वाला यीशु मसीह है, उनका वचन है, उसके अंदर ही हमको सब कुछ मिलेगा। रोटी है, पानी है, जीवन की हर जरूरतें हमें देने वाला यीशु मसीह है, वही हमारे लिए चट्टान है। उस वचन के अनुसार, उस वचन को बोलते हुए, उस वचन को हम विश्वास करते हुए उनकी समूह में हम बैठे रहेंगे, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे, परमेश्वर की वचन ये कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाया रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा करके परमेश्वर की वो वायदा हमारे लिए दिया गया है। हम इसको बोलते रहना है क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा रक्षक है, यीशु मसीह हमारा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिने ओर तेरी आड़ है, दिन के धूप से और रात का चांदनी से तेरी कुछ हानि ना होगा करके हमें वायदा किया है। दिन की धूप भी हो, रात की रोशनी भी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हमें हानि नहीं पहुंच सकता है क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। ऐसा ही मनुष्य बुद्धिमान है, परमेश्वर हमें कहना है तो बुद्धिमान हो, ऐसे नीति वचन में लिखा है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो मनुष्य है चट्टान पर अपने घर को बनाया, जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वो ग्रहण किया जाता है। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, उस प्यार को हमको समझना, उसको वचन पर चलना, उसका वचन हमारा पावों की रोशनी है, हमारा रास्ता के लिए दीपक वही है, हमको रोशनी देता है चलने के लिए। उसकी समूह में हमको बैठना है, चुप होकर वही परमेश्वर करके मुझसे हमको कबूल करना है। जो भी हमारा जीवन की जरूरत है, हर जरूरत को देने वाला परमेश्वर वही है। हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रह के कहता है मैं तुम्हें तुम्हारा दाहिने हाथ पकड़ा हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इस परमेश्वर के वचन के ऊपर हम अपने जीवन को बनाएंगे, प्रार्थना करने वाला बनना है, हम भी अपने जीवन को वचन के ऊपर बनाना है। इसमें लिखा है यीशु मसीह कहते हैं मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर जो चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना, वचन पर चलना, स्वर्गीय पिता की इच्छा यही है उनके वचन पर हमको चलना, यीशु मसीह को हमको विश्वास करना, उनके बेटे को हमको हमारा जीवन में हम रखना, यीशु मसीह के ऊपर हमारा जीवन को हमको बनाना करके। यीशु मसीह की इच्छा यही है वचन पर चलना, वचन के अनुसार जीना, वचन को ही हम खाना, जीवन की रोटी को खाना, जीवन की पानी को पीना, जीवन की ज्योति में चलना, इस जीवन की यात्रा में हम चलते रहना,
जीवन के मार्ग के अंदर हम प्रवेश करना, तब हम अनंत जीवन को हमको पाना, यही हमारा स्वर्गीय पिता की इच्छा है, उसके अनुसार हम चलने वाला बन जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए, आपका इच्छा के अनुसार हमको चलने के लिए मदद कीजिए, आपका वचन के अनुसार हर प्रतिदिन चलने के लिए मदद कीजिए, हम इधर उधर भटकना नहीं है, आपका वचन हमारे लिए अब दिया है, उस वचन में बने रहने के लिए, यीशु मसीह में बने रहने के लिए, वही हमारे लिए नींव है, उसके ऊपर हमारा घर बनने के लिए हमको मदद कीजिए। व्यक्ति का जीवन प्रभु, हर एक विश्वासी भाई बहन के व्यक्ति का जीवन आपके ऊपर बनने के लिए मदद कीजिए, आपका हाथों में हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।